इस तरफ जो वाला मंदिर जो है, ये वाला मंदिर जो है भीमा काली जी का मेन मंदिर है, पुराना मंदिर है जो कि ओल्ड मंदिर है, और माना जाता है कि यहाँ पे जो भी बंदा कुछ भी मांगता मन्नत मांगता हो पूरी होती है। सो बहुत फेमस मंदिर है जी, और बहुत अच्छा यहाँ पे सिस्टम बना के रखा हुआ है, और COVID-19 की गाइडलाइन के तहत यहाँ पे किसी भी चीज़ को हाथ लगाना अलाउड नहीं है। पहाड़ों के बीच में सरहान पंचायत के बीच में ये मंदिर है। सो जी अभी हम सराहन पहुंच गए हैं, और लोकेशन क्या ही बताऊं मैं आपको, बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है। नारकंडा से हम नीचे उतरे थे, फिर ज्यूरी से अभी दोबारा से हम ऊपर चढ़ रहे हैं पहाड़ के ऊपर, और बहुत ही कातिलाना व्यू है। थोड़ा व्यू बताओ दोस्तों को, और ये देखिए पास हो रहा है, इधर नीचे खाई है बराबर। सराहन पहुंच चुके हैं, और ये भी इसका लोहे वाला ब्रिज है छोटा सा, इसको क्रॉस करते हुए जय भोले। और 107 किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूं मैं सुबह से, 107 किलोमीटर इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए 107। और ये ऑफ रोड की तरह हमारा रोड टूटा फूटा, सराहन के अंदर हम इंटर कर चुके हैं मार्केट के अंदर, और हमारी अल्टो डिग 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 करते हुए, और ये मारुति, ये मारुति वालों की जिप्सी 4x4 ये बहुत है इधर। तो जी सराहन में आपका स्वागत है, ग्राम पंचायत सराहन, इधर बोर्ड भी लगा हुआ सराहन का। ये जी सराहन का आ गया बस स्टैंड, सराहन का बस स्टैंड जी, रामपुर के लिए बस जा रही है यहाँ से। अच्छा जी अभी हम कहाँ जाना है, हमें जाना है इस तरफ। तो जी अभी हम सराहन में पहुंच के हमने गाड़ी लगा दी थी पार्किंग में, और इधर भीमकाली जी का मंदिर है, भीमकाली माता का, और बहुत फेमस मंदिर है। तो अभी हम आपको मंदिर में दर्शन करवाते हैं, और ख़ुद भी करते हैं। और ये कुछ मार्केट है। तो जी ये है भीमकाली माता का मंदिर बाहर से, और सराहन के बीच में बड़े बड़े पहाड़, और उनके बीच में ये पुराना मंदिर, और ये पूरा देवदार के लकड़ी से बना हुआ है। भाई मेन डोर पे 8 देखो आप, और ये सेकंड डोर है। वाह जी वाह। तो जी ये बहुत पुराना मंदिर है, और बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। सामने पहाड़ियाँ देख सकते हैं आप सराहन में। सो जी अभी हम हैं भीमा काली मंदिर में, और यहीं तक जो है कैमरा और वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड है, और इसके बाद में ये इधर इस जगह पे जो है पुलिस वाले खड़े हैं, और सामने ही लॉकर हैं, लॉकर में जो है आपको पूरे मोबाइल वगैरह, अपना फ़ोन, पर्स वगैरह, लेदर की चीज़ जो भी है, बेल्ट वगैरह सब खोल के इधर ही डालनी है, आपको की मिल जाएगी, अच्छा लॉक इन की वाला सिस्टम है। और इसके बाद में इधर से ऊपर जाना है, और इस तरफ जो वाला मंदिर जो है, ये वाला मंदिर जो है भीमा काली जी का मेन मंदिर है, पुराना मंदिर है जो कि ओल्ड मंदिर है, और माना जाता है कि यहाँ पे जो भी बंदा कुछ भी मांगता मन्नत मांगता हो पूरी होती है।
सो बहुत फेमस मंदिर है जी, और बहुत अच्छा यहाँ पे सिस्टम बना के रखा हुआ है, और कोविड 19 की गाइडलाइन के तहत यहाँ पे किसी भी चीज़ को हाथ लगाना अलाउड नहीं है। म्यूजियम भी है, यहाँ म्यूजियम भी है जहाँ पे 16, 17 और 18, 19 सेंचुरी का जो है आपको राजाओं की तीर भाला वगैरह मिल जाएंगे। बाकी बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे, और आजकल फिर भी पॉपुलेशन उतने ही नहीं है, मतलब इतने लोग नहीं आ रहे अभी तक। सो जी ये यहाँ पे किचन है पीछे, ये कुछ मंदिर परिसर है, और एक मंदिर इधर भी है छोटा सा। सो ऐसा कुछ व्यू है जी। बाकी मैं बाहर से भी आपको मंदिर बताता हूँ, और मंदिर के अंदर जो है चांदी के बड़े बड़े द्वार लगे हुए हैं, जो भी दरवाजे बड़े चांदी के हैं, और बहुत अच्छा ओल्ड तरीके का ओल्ड मंदिर है जी। ये मेन डोर हैं जी मंदिर के, पूरे चांदी के बने हुए हैं, सिल्वर के डोर हैं पूरे, ये देख सकते हैं आप। सो जी अगर आप मंदिर में एंट्री करते हैं तो इधर एंट्री करनी पड़ती है, कितने बंदे हैं और कहां से आ रहे हैं, मोबाइल नंबर के साथ में सिग्नेचर होते हैं, और ये आप देख सकते हैं लॉक एंड की लगे हुए हैं, अपना सामान बीच में डाल के जो है आपको अंदर जाना है, मोबाइल वगैरह जितना भी आपके पास एसेसरी है। और ऐसा ये कुछ मंदिर परिसर का जो है, सामने म्यूजियम है, ये इस तरफ म्यूजियम है, और एक छोटा सा मंदिर इधर भी है लकड़ा बीर जी का, और पुलिस वाले खड़े हैं इधर। सो ऐसा कुछ भी हुआ जी, ये एक दरवाज़ा, उधर दूसरा डोर, तीसरा डोर, दूसरी डोर के बाद में जो है आपको आपके एसेसरी जो है लॉकर में रखनी पड़ेगी। ये देखिए राधा कृष्ण जी के मूर्तियाँ, माँ लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ, शेर जी के सामने, ये वाला एंट्रेंस है जी, और नीचे वहाँ पे शूज़ वगैरह खोलते हैं, अगर किसी ने नहीं खोले तो अंदर भी खोल सकता है। इसके बाद यहाँ पे शूज़ अलाउड नहीं है, ये पूरा मंदिर परिसर का एरिया है, और इधर नरसिंह भगवान जी की एक मंदिर है, नरसिंह भगवान जी का, शिव जी का। चलो जी, और ये कुछ जी ओल्ड टेंपल है, सदियों पुराने। जो नरसिंह भगवान जी का मंदिर है, जय हो नरसिंह भगवान जी, गलती गलती माफ़ करना प्रभु, कृपा करना प्रभु। सो जी ये शिव महाराज जी का टेंपल है, जय हो श्रीमान जी। ऐसी मूर्तियां बनी है सदियों पुरानी, कलाकारी करी हुई है जी पत्थर के ऊपर, और इस पर कुछ कोई भी सीमेंट, मतलब सीमेंट नहीं है, पता नहीं किस चीज़ से जोड़ते थे, ये जो है पता नहीं क्या है जी, अभी तक जुड़े हुए हैं, और इन मंदिरों में अभी तक भी पूरी जान है। और आजकल घंटी बजाना जो है बंद है, ताकि तभी चुन्नी बांध के रखिए, ताकि कोरोना के चलते। और ये सब व्यू है यहाँ का। सो जी ये था माँ भीम काली जी का मंदिर, मैंने आपको जितना हो सके मैंने बता दिया, पहाड़ों के बीच में सराहन पंचायत के बीच में ये मंदिर है। तो अभी हम जा रहे हैं किन्नौर कल्पा, तो बीच में ये मंदिर जाना था हमें, और जो हमारे साथ सुशील है हमारे दोस्त, वो बड़े दिनों से मंदिर जाने के लिए बोल रहा था, तो मंदिर वो जा नहीं पाया। सो इस बार वो मंदिर जाके आए, तो ये मैं भी बाहर आ रहा हूँ। नमस्ते जी, जी ये देख सकते हो, और इतनी जल्दी गिनती के लिए आ रहा हूँ, 100 तक गिनने को बोल रहा हूँ भाई साहब। तो जी ये मेन एंट्रेंस है इधर से, इसके बाद में 2-3 गेट है, लास्ट गेट में जाके आपको अपनी एसेसरी रखनी पड़ेगी, और बहुत बढ़िया मंदिर है। मान जो मानता है उसके लिए क्या है कि आप कुछ भी मांगोगे पूरा होता है,
माँ भीम काली जी का मंदिर है। पंडित जी ने हमें कुछ कुछ बताया और सामने और ये हिमाचल टूरिज्म वालों का होटल भी है इधर। तो जी ये कुछ इधर हिमाचल टूरिज्म वालों ने लगा के रखा है। शिमला कितने किलोमीटर है, नारकंडा कितने किलोमीटर है। सामने पुलिस चौकी सराहन और इस तरफ में ये अच्छा सा पहाड़ों के बीच में सुंदर सा भीम काली जी का मंदिर और सामने ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई है इधर भी। चलो नीचे तो बर्फ़ नहीं है, नीचे तो बर्फ़ ढल गई है और ये इस तरफ ये पूरा मंदिर परिसर का एरिया है। बाकी अभी कहाँ रुकेंगे हम? अभी 3 बज गए हैं। कितने बज गए हैं? टाइम हो गया राजमा चावल 2:44 हो गए हैं। इस बंदे ने खाना नहीं खिलाया सुबह से भाई। हम आ रहे हैं राजमा लोकल, यहाँ के चावल खिलाएंगे राजमा चावल। उसके बाद हम उसके बाद किनो पीओ में सुसाइड पॉइंट में जाके छलांग लगाएंगे सारे। ठीक है जी, चलो जी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में। सो जी ये है ज्यूरी स्टेशन और इस तरफ का रास्ता ये जाता है सराहन के लिए, भीम काली मंदिर के लिए। हम उधर जाके आए 17 किलोमीटर यहाँ से और अभी हम जा रहे हैं इस रास्ते के लिए और इसका सीधा अपोजिट रास्ता जो है शिमला के लिए चला गया है, अंबाला शिमला के लिए। सो अभी हम जा रहे हैं इस रास्ते किन्नौर के लिए, तो चलते आगे। मुझे इस भाई साहब ने अभी 3 बज रहे अभी खाना खिला रहे हैं और ये थाली है राजमा चावल गोभी वगैरह कड़ी है पनीर है साथ में।